मुख्य अतिथि माननीय जिलाधिकारी महोदय, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय और उनके साथ आग्रह किया अपने माननीय श्री शिवराम कुशवाहा क्षेत्र अधिकारी लाइन्स महोदय और इसके तत्पश्चात शांति का प्रतीक सफेद कबूतर उड़ा करके आज के रैनिक पैक के निरीक्षण को जाते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिलाधिकारी महोदय और साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रथम कमांडर माननीय श्री शिवराम कुशवाहा क्षेत्राधिकारी लाइन्स देते रहे हमारे तृतीय कमांडर उप निरीक्षक सुरजीत सिंह जिसकी कमांड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हमारी चौथी टोली जिसकी कमांड उप निरीक्षक विवेकानंद सिंह कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। पांचवी टोली उप निरीक्षक शिवधर सिंह यादव कर रहे हैं इसकी कमांडिंग, इसकी कमांड कर रहे हैं मंच के समीप मंच से निकट से गुजरते हुए। नौवीं टोली यह मोटरसाइकिल दस्ता के जवानों की है जिसकी कमांड उप निरीक्षक श्री सूर्यपाल कर रहे हैं। देखें ये अपने कौशल दिखा रहे हैं किस तरीके से। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हो हमारे जवानों के नाम, जवानों के लिए। आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल दस्ता जिसकी कमांड उप निरीक्षक श्री सूर्यपाल कर रहे हैं। मंच के समीप से गुजरते हुए, मंच के निकट से गुजरते हुए जाते हुए। दसवीं टोली एसओजी टीम भी है। शासन के निर्देशानुसार राज्य में होने वाले गंभीर अपराधों को अंजाम देने तथा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य के अंतर्गत जिले स्तर पर एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसकी कमांड मंडल आरक्षी वेद प्रकाश दुबे व आरक्षी विनोद रघुवंशी कर रहे हैं। ग्यारहवीं टोली 1090 विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभियान है जिसकी कमांडिंग मुख्य आरक्षी रमेश कन्हौजिया कर रहे हैं। बारहवीं टोली यूपी डायलिस की है जिसकी कमांड अनिल कुमार एवं आरक्षी रमेश सरोज कर रहे हैं। तेरहवीं टोली विधि विज्ञान शाला की थी जिसकी मनोज कुमार आरक्षी कर रहे हैं। चौदहवीं टोली रेडियो शाखा की है जो मंच के समीप से गुजर रहे हैं जिसकी उप निरीक्षक महेंद्र सिंह कमांड कर रहे हैं। पंद्रहवीं टोली दंगा निरोधक अश्विनी भैंस की टोली है जिसकी मुख्य आरक्षी वंशराज यादव कर रहे हैं कमांडिंग। संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समृद्ध नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली और भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखेंगे। उप निरीक्षक श्री राघवान यादव उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आरक्षी के पद पर दिनांक 15/1/1989 को भर्ती हुए और दिनांक 16/2/2016 को रैंकर उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति पाए। इनके द्वारा पुलिस विभाग में कुल 33 वर्ष 11 दिवस की सेवा में अब तक विभिन्न उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 10 नकद पुरस्कार एवं 2 उत्तर प्रविष्टि से पुरस्कृत किया जा चुका है। अमरनाथ मिश्रा साइबर से पुलिस अधीक्षक बलिया Thank you.
आवाज बिल्कुल बहुत आवाज में बुलंद भाषण देते हैं। पीछे अपनी देखिए ये बच्चे बिजली की तरह काम कर रहे हैं किस तरीके से। बहुत खूब तो किसी उद्देश्य के साथ निकल पड़े हो अपने कमांडर के आदेश पर। जरूरत उनके अंदर हौसला भरने की, जज्बा भरने की। ये देखे इनका प्रदर्शन देखे। अरे बहुत भाई बहुत खूब। बम लिए हुए हैं अपने अंदर। कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये उठते कदम दर कदम बोलते हैं, उठते हैं जो दुश्मन जमाने तो बम बोलते हैं दोस्तों। नेशनल ब्रिज स्कूल से ये बच्चे एक बार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।